कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.3 प्रश्न 4 का 9वां भाग हम करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न है कोसेकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सेकेंट ए माइनस कॉस ए बराबर है 1/tan a + cot a। तो इसको हम हल करेंगे और जैसा कि हमने पहले ही ये डिस्कस किया हुआ है कि ऐसे प्रश्नों में हमें हर एक चीज को साइन या कॉस में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए, ये है कोसेकेंट ए, इसको हम लिख सकते हैं कोसेकेंट जो है साइन का उल्टा होता है, तो कोसेकेंट ए को मैं लिखता हूं 1/sin a माइनस साइन ए को हम ऐसे ही रहने देंगे साइन ए इंटू सेकेंट ए जो होता है वो होता है 1/cos a, तो इसको मैं लिखूंगा 1/cos a माइनस यहां पर है कॉस ए, इसको ऐसे लिख देंगे कॉस बराबर। प्रश्न में हमें संकेत दिया गया है कि हमें वाम पक्ष और दायां पक्ष दोनों को ही अलग अलग हल करना है, इसलिए हम दायां पक्ष को भी साथ साथ हल कर रहे हैं। 1/tan a जो होता है वो होता है sin a / cos a, tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin / cos, प्लस cot का फॉर्मूला होता है cos/sin यानी cos a / sin a। तो आइए हम इसे आगे हल करके देखते हैं। यहां पर इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 साइन ए और 1 का जो लघुत्तम आएगा वो आएगा साइन ए, साइन ए को नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुना, साइन ए को साइन ए से भाग किया 1, उस 1 को ऊपर 1 से गुना किया 1, माइनस साइन ए को 1 से भाग किया साइन ए, उस साइन ए को जब ऊपर साइन ए से गुना करेंगे तो वो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। ये हो गई पहली ब्रैकेट, अब हम आते हैं दूसरी ब्रैकेट पर। यहां पर भी इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 कॉस ए और 1 का लघुत्तम होगा कॉस ए, कॉस ए को जब कॉस ए से भाग करेंगे तो 1 को ऊपर 1 से गुना करेंगे तो 1, माइनस कॉस ए को 1 से गुना करेंगे कॉस ए, कॉस ए को ऊपर कॉस ए से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बराबर। यहां पर ऊपर तो है 1, उसको हम नहीं छेड़ेंगे, और नीचे हमारे पास है कॉस ए और साइन ए, इनका जो लघुत्तम होगा वो होगा साइन ए गुना कॉस ए, और ऊपर साइन ए कॉस ए को कॉस ए से भाग करेंगे तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, बाकी बच जाएगा साइन ए, साइन ए को ऊपर साइन ए से गुना कर दो साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन ए कॉस ए को जब साइन ए से भाग करेंगे तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, बाकी बच जाएगा कॉस ए, कॉस ए को ऊपर कॉस ए से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। अब हम इन्हें आगे हल करते हैं। इसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, देखिए हमारे पास जो सर्व समीकरण थी वो थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए इधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये किसके बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए के, इसलिए मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखता हूं कॉस स्क्वायर ए / नीचे है साइन ए गुना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहां से कॉस स्क्वायर ए को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और वो किसके बराबर होगा साइन स्क्वायर ए के, इसलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर ए / नीचे है हमारे पास कॉस, और राइट साइड पर देखें ये है 1/, ये है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के, तो ये आ गया 1/, नीचे है साइन ए कॉस ए, यहां पर ये कॉस ए से 1 कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस ए गुना कॉस ए, 1 कॉस ए से 1 कॉस ए कट गया, बाकी बचेगा कॉस ए, यहां पर साइन ए से 1 साइन कट गया, 1 साइन बच गया तो वो आ गया साइन ए, ये गुना है। राइट साइड पर ये 1/sin a इसके साथ भाग हो रहा है, हम भाग का बनाएंगे गुना, तो ये आगे जाकर हो जाएगा गुना 1/ sin a cos a / 1, यानी कि ये भाग का हमने बना दिया गुना, और ये जो था ये आगे जाके हो गया उल्टा। अब आप देखेंगे ये है cos a / sin a, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं sin a / cos a बराबर 1 को साइन ए कॉस ए से गुना कर दो तो ये आ गया साइन ए गुना कॉस
ओके, तो ये देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई है राइट हैंड साइड की, यही हमें सिद्ध करना था, तो हम लिख देते हैं सिद्ध हुआ। तो यही इस प्रश्न का उत्तर था।